नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में दो चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार जमकर चल रहा है। इसी क्रम में गुजरात के छोटा उदयपुर में शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष के साथ 5 दशक के शासनकाल पर बहस करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा गरीबी का राग अलापते हैं। उनकी पार्टी एक बार फिर गरीबी का नारा दे रही है। 55 साल और 5 पुश्तों तक आपके परिवार ने ही भारत पर राज किया है। शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि बड़ोदरा के किसी चौराहे पे आइए और फिर बताइए कि आपने गरीबी के लिए क्या किया है। हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष आपको बेहतर जवाब देंगे। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती देते रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।